नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीजी न्यूज़ में। हर घर में एलपीजी का प्रयोग होता है और हर घर में दो से ज़्यादा कनेक्शन होते ही हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए तो आप कई लाख रुपए के कवर के अधिकारी हैं। आप में से कई लोग इस बात से अनजान होंगे, मगर सिलेंडर ब्लास्ट होने पर अगर आपके घर में किसी की जान जाती है या फिर संपत्ति का कोई नुकसान होता है तो उसका हर्जाना उसे मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप किसी भी वजह से एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से दुर्घटना का शिकार हुए हैं तो कैसे कवर का दावा कर सकते हैं। रसोई गैस कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहक को पर्सनल एक्सीडेंट कवर उपलब्ध कराती है। 50 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या ब्लास्ट के चलते दुर्भाग्यवश हादसा होने की वजह से स्थिति को आर्थिक मदद के तौर पर है। इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है। डीलर डिलीवरी से पहले चेक करें कि सिलेंडर ठीक है या नहीं। ग्राहक के घर पर एलपीजी सिलेंडर की वजह से हादसे में हुए जान मान के नुकसान के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर देना होता है। हादसे में ग्राहक की प्रॉपर्टी घर को नुकसान पहुंचता है तो प्रति एक्सीडेंट 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। अगर घर में एलपीजी ब्लास्ट हुआ है तो सरकार की वेबसाइट http://mylpg.in पर ग्राहकों को बताया गया है कि वो कैसे मुआवजा हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक रसोई गैस का कनेक्शन लेते ही कस्टमर 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर का अधिकारी हो जाता है। एक दुर्घटना पर अधिकतम 50 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। पीड़ित को अधिकतम 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। इंश्योरेंस कवर पाने के लिए ग्राहक को तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना देनी होती है। साथ ही एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को भी इसके बारे में बताना होता है। कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए तीसरा पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होती है। ये किसी व्यक्तिगत ग्राहक के नाम से नहीं होती, बल्कि हर ग्राहक इस पॉलिसी में कवर होता है। इसके लिए उसे कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता। FIR की कॉपी, घायलों के मेडिकल बिल और मौत होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना होता है। हालांकि हर मामले में सेटलमेंट मेरिट के आधार पर तय किया जाता है। गैस सिलेंडर से हादसा होने की स्थिति में सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। इसके बाद संबंधित एरिया ऑफिस जाँच करता है कि हादसे का कारण क्या है। अगर हादसा LPG एक्सीडेंट है तो LPG डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी एरिया ऑफिस इंश्योरेंस कंपनी के लोकल ऑफिस को इस बारे में जानकारी देगा। इसके बाद संबंधित बीमा कंपनी को क्लेम फाइल होता है। ग्राहक को बीमा कंपनी से सीधे क्लेम के लिए आवेदन करने या उससे संपर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साल 2019 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि किस किस साल में कितना इंश्योरेंस LPG ब्लास्ट के तहत दिया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2016-2017 में LPG ब्लास्ट में 929 हादसे हुए थे, जिसमें से 276 लोगों की मौत हुई थी और इन्हें मुआवजे के तौर पर 22.83 करोड़ रुपये अदा किए गए थे। इसी तरह 2017-2018 में 1191 हादसे हुए थे, जिसमें 292 लोगों की मौत हुई थी और 17.29 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर अदा किए गए थे। साल 2018-2019 में 983 हादसे हुए थे, जिसमें 254 लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने 7.10 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर दिए थे। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें CTD न्यूज़। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।